दोस्तों ये नंगे पैर आते हैं गुरुजी, ये नंगे पैर वहां से नीचे आते हैं, ये देखो हे गुरुजी का प्रेम बताओ दोस्तों। राम राम राम। दोस्तों आज ये पहाड़ी वाले बालाजी के दर्शन कराता हूं आपको। चलो चलो चलो, हिम्मत रखो। ये रास्ता धीरे धीरे दोस्तों ये देखो, ये पहाड़ी वाले बालाजी कोटड़ा राजस्थान रावतभाटा के पास आज हमारे गुरुजी से मिलने के लिए आए नीचे से। ये वहां से यहाँ थे तो आ गए, इनको दो मरतबा अटैक आ गया था, एक बार अटैक आया था, बच गए। तो मैंने कहा आप ऊपर चढ़ो, ताकि दूसरी बार आवे नहीं। सब बीमारियां दूर, सब साफ हो जाइए। वो गुरुजी आरती कर रहे हैं। चलो। इनको 20 साल हो गए, वो जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहनते हैं। वो गुरुजी आरती कर रहे हैं, शंकर दास जी वैष्णव। हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं और हमारे साथ आप भी गुरुजी के दर्शन करना दोस्तों। संतों का आशीर्वाद, संतों के दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। हम श्यामगढ़ से आए कोटड़ा राजस्थान में, मैं जीतमल राठौर श्यामगढ़ से। अब मैं आपको गुरुजी के दर्शन कराऊंगा और खुद भी करूंगा। वो रास्ते में जो एक कांटे है ना, इसको मैंने भी हटाया कि गुरुजी पैदल पैदल चलते हैं। अब देखो आप, अब ये यहाँ से ऊपर है ना, अब ऐसे यहाँ से ऊपर चलते चलो। दोस्तों ये जूते पहन रखे तो इसमें इतने कांटे चुभ गए, जब जूते पहन के हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारे इतने पैर में कांटे चुभ गए। जब हम आपको गुरुजी के दर्शन कराएंगे नंगे पैर, जो 20 साल से उन्होंने जूते चप्पल कुछ भी नहीं पहन रखे,
अब वो ऊपर जाते हैं ऐसी स्थिति में, उन संतों के आपको दर्शन कराएंगे दोस्तों। आप कहोगे वाकई में दर्शन हो तो ऐसे हो। भगवान के दर्शन करना और त्यागी महाराज के दर्शन करना, भगवान साक्षात कभी भी दर्शन नहीं देते न किसी को आज तक दिए। अगर आपको दर्शन करना है तो संतों के दर्शन करो, उनका आशीर्वाद लो और उनको कुछ दान दक्षिणा दो ताकि उनके दाल रोटी का गुजारा संत भक्तों की वजह से चलता है दोस्तों। और आज हम आपको गुरुजी के पास में ले चल रहे हैं, पहाड़ पे चले गए गुरुजी, वहाँ आरती कर रहे हैं। अब हम आपको वहाँ का ये पूरा नज़ारा दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि आप तो आ नहीं सकते हो और हम यहाँ से वापस बिना दर्शन के जा नहीं सकते हैं। बजरंग बली का मंदिर है उसका, देखो ऊपर जा के देखो, अब ऊपर देखो दोस्तों, अब ऊपर चलना पड़ेगा, अब ऊपर चलेंगे। हाँ, अब ऊपर चलेंगे, ऐसे पीछे ऐसे वापस ले ले, है ना, अब ऐसे चलो उसको, है ना, आइयो को पाचे ले लीजिए बस, यहाँ थोड़ा जमीन दबा दे। देखा दोस्तों, अब गुरुजी के दर्शन करेंगे और वो मंदिर पहाड़ के ऊपर है। चलते चलो चलते चलो, आज बजरंगबली के दर्शन करा के छोड़ेंगे आपको, आपको है ना बजरंगबली के दर्शन करा के छोड़ेंगे। और मैं पानी की बोतल भी साथ में लेके आया हूँ, कभी प्यास लग जाए तो आपको मैं पानी पी सकूँ दोस्तों। ये बजरंगबली पीछे नहीं देखना, पीछे आगे चलो, आगे देखो, अगर पीछे देखेंगे तो हवा निकल जाएगी दोस्तों। हाँ हाँ, जय बजरंग बली की जय हो, जय हो गुरुजी की जय हो, जय हो गुरुजी की, जय हो गुरुजी की। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, हाँ हाँ, देखा दोस्तों, हाँ 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 हाँ, हमें यहाँ आने में इतनी परेशानी आ रही है। हमारे गुरुजी जो नंगा पैर आते हैं, हाँ मैं पोपा जी को लेके आया, मेरे पिताजी के जिया जी है ये, और इनको मैंने कहा चलो तो सही, भगवान की दया से इनको एक बार अटैक आया था कि बजरंग बली ने इनके ऊपर कृपा करी, आज इन्होंने हिम्मत करी है दोस्तों। आज देखो ये 75 साल की उम्र में आज इन्होंने हिम्मत करी है, हिम्मत तो इन्होंने इससे पहले बहुत कर रखी है। आज है ना दोस्तों, हाँ अब यही खड़े हो जाओ बस, अब यही खड़ा रहो थोड़ी देर, यही खड़ा रहो, है ना, हाँ। देखा दोस्तों, आज बजरंग बली के दर्शन किए। हाँ हाँ, मुकेश भाई आपको कैसा लगा? आनंद आ गया। वासा दोस्तों, हम ये पहाड़ के ऊपर से हम आ गए, अब ये बजरंग बली के दर्शन करने के लिए आ गए पहाड़ पे दोस्तों। अब देखो दोस्तों, देखो आज है ना बहुत ही किस्मत से बजरंग बली के दर्शन हो रहे, आ जाओ। वाह साहब, वाह साहब, वाह वाह, अरे पी की जय हो, जय हो बजरंग बली की जय हो, जय हो बजरंग बली की जय। हाँ हाँ हाँ, जय हो, देखा दोस्तों आज बजरंग बली के दर्शन किए, आज मुकेश के इसके पैर में बहुत कांटे चुभ गए। गुरुजी पापा जी ने पकड़ो, यू क्या पापा जी, यहाँ अणी पकड़ लो, यहाँ पाचा अणी कहीं पकड़ लो, यू कोई पकड़ लो, बहुत दिन में बुलाया है। अरे गुरु जी, जय हो गुरु महाराज की जय हो। देखा दोस्तों, आज हमारे गुरुजी के दर्शन करने के लिए आज शामगढ़ से आए और गुरुजी पहाड़ी पर रहते हैं। अब मुकेश तुम्हे आशीर्वाद ले लो गुरुजी का। हाँ, इसको अभी थोड़ा यहाँ जाओ भाई। हाँ, आज हमारे गुरुजी शंकरदास जी जो शामगढ़ के पास में जमुनिया रह चुके कई सालों तक,
जूना पानी। गुरु जी आप कितने साल से यहाँ पे हो? 15-16 साल हो गया यहाँ। 15-16 साल। अभी दोस्तों हमारे गुरु जी से हम आए दर्शन करने, आपको भी दर्शन का सौभाग्य मिला है। और ये गुरु जी नंगे पैर कैसे आते हैं, आज इनके पैर के दर्शन कराओ। ये देखो ये पास मुके पास मिला दोस्तों, ये नंगे पैर आते हैं गुरु जी। ये नंगे पैर वहां से नीचे आते हैं। ये देखो हे गुरु जी का प्रेम बताओ दोस्तों, भाइयों बहनों बुजुर्गों, देखा साधु संतों के किसके नसीब के अंदर। दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखना, कभी भी साधु संतों के पास जाओ खाली ऐसे यूं धोख दे के ऐसे नहीं करना, गुरु जी को दक्षिणा भी दो। दक्षिणा देने से गुरु जी के मन के अंदर बहुत खुशी होती है कि आज मेरा भगत आया है, आज मेरे को कोई दक्षिणा दे रहा है। और कितने दिन बाद ये हमारे भगत आया है, एक बात आए थे जब इन्हों को मक्खा का टिकट मिला था, और आज फिर देखो ये मक्खा का टिकट खाकर यहाँ पे बैठ के, आज पापा जी ने भी दिल खोल के पैसे दिए, ये काम कर तू भी दे, मक्खा का टिकट खाएगा आज फिर ये भगत यहाँ पे। हाँ। बिल्कुल गुरुदेव, बहुत दिनों के बाद पहले खाया था इन्हें यहाँ। हाँ आप तू भी दक्षिणा दे। हाँ गुरु जी आज ये हमारा मुकेश भी आपको दक्षिणा देगा, अब इसको भी एक आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दोग दिले। ये देखा बजरंग बली की कृपा से दोस्तों, बोलिए बजरंग बली की जय। देखा दोस्तों गुरु जी से कभी भी मिलो तो एक बात ध्यान रखना, फोकट में नहीं मिलना, उनको कुछ न कुछ दान दक्षिणा दो ताकि उनके गुजारा चले। ये पेट बनाया ना भगवान ने, ये पेट है ना फोकट में नहीं बनाया, इसीलिए दोस्तों कभी भी साधु संतों से मिलो। संत ऋषि मुनि त्यागी महाराज जी शंकरदास जी श्री श्री 108 शंकरदास जी महाराज के दर्शन कराए हमने दोस्तों। गुरु जी आपको कैसा लग रहा हम आए आपके पास? अरे बहुत बड़ी खुशी हो गई राम जी मेरे को, बहुत दिनों में आए यहाँ पे। अच्छा और वही टिकट मिलेगा आपको मक्की का? देखा अब गुरु जी अब टिकट बनाएंगे, उस टिकट का भी वीडियो बनाएंगे दोस्तों। देखा इतने दिन बाद तेरे को टिकट मिला, ये मक्का का टिकट बहुत ये। देखा दोस्तों आज हमको गुरु जी ये मक्का का टिकट खिलाएंगे एक कौमतों में, मगर इसका स्वाद आपको भी आएगा है ना गुरु जी। अब इसको हम मिल बांट के खा लेते हम है ना। चलो मिल बांट के बैठो आ जाओ। सब्जी आलू आ जाओ, मेरे को पता नहीं थोड़ी ज्यादा लाता बाद पहले में मक्का का टिकट मिल रहा है, सब्जी खा ले इसमें थोड़ी। ये हाथ में रखो उसको। अरे देखो गुरु जी हम बहुत भाग्यशाली है कि आज हमको ये प्रसाद का टिकट मिला है। प्रसाद है ये, बहुत बड़ा प्रसाद है। देखो देखा गुरु जी का सब्जी है, इसे कहते हैं अमृत, लोग तरसते हैं। लाओ बहुत दिनों के बाद मिली है इनको। हाँ बाद बाबूजी ने आया था जब मिली थी इनको, मेथी की सब्जी थी। अच्छा मेथी देखा। हाँ 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 वाह गुरुदेव वाह, ये तो लगे लगे भी कहो लगे लगे क्या कहो, हमारे गुरु जी की बहुत बड़ी कृपा है। हाँ गुरु जी ने हमको याद किया दिल से, और गुरु जी आपका पंचांग भी लेके आ गया पड़ा। हर साल तू लाए राम ने लेके मेरे को पंचांग बना, कभी कल का परसों करण निकला पता ही नहीं चला साला। हाँ और गुरु पूर्णिमा में इनके इतना आनंद आया वो मुखों को जीतो। अच्छा। कम से कम 2.5 बोरी शक्कर इकट्ठी हुई थी और 7 डब्बा तेल का आया था खतरा, और आस पास सबको नौतो दे दिया था मैंने फर के झाड़ पार्टी मामला आदमी सब आना, वो तो पानी को दम हो गया नहीं तो इतनी पब्लिक तो भी हो आई। और रात भर सत्संग जियो, अपने शिवदास आखली का प्रोग्राम वाला था यहाँ तो 5,000 रुपया उनको दिया, 3,500 में साउंड करा था, मतलब करने 50,000-60,000 को खर्च हुई और फिर बच्ची है ना फिर एक बिल के खूब मरी होते थे वो बच्चे समान होने दे चुकी। मतलब लोगों ने तारीफ करी हिल के, मतलब इतने मतलब पानी नहीं पड़ता नहीं तो मालपा पूरी को रख दिया तो फर्स्ट क्लास जी काम। अच्छा पर वो क्या करो, तुम्हारी किस्मत में था नहीं बुद्धि, तुम्हारे किस्मत में टिकल लिखा हुआ है का, ये शूटिंग लेना है कि इनके किस्मत में मालपा पूरी नहीं लिखी है साधुघात का टिकट लिखा है 5 साल बाद 5-6 साल बाद। ये बजरंग बली का दर्शन करो हमारे जनता पब्लिक को, हमारे चैनल वालों को। गुरु जी यहाँ की विशेषता बताओ। यहाँ की विशेषता
यहाँ की विशेषता ऐसी है भैया कि हमने कितने साल हो गए कोई यहाँ के कर्मचारी लोग ध्यान नहीं रखते हैं। ये पहाड़ों की मूर्ति है, संतों की स्थापना करी हुई है, ये कोई मनुष्य ने नहीं करी और वो महाराज जी यहाँ भी अदृश्य है। अब इसको क्या है कि हमको आते आते यहाँ 10-15 साल हो गया, अब यहाँ पे हमको फोटो दे दिया, सब कुछ कर दिया, हमारे एक रोड की बड़ी भारी अवस्था हो रही है यहाँ पे और एक पानी की। अब हम नीचे जाना दोनों टाइम, दोनों टाइम नीचे थी ऊपर आना है, तो इसलिए हमारे को ये जरूरत है। अब कोई कर्मचारी लोग से नेता लोग सुन रहे हैं हमारी, हम पहाड़ों में पड़े हैं, क्या करें अब ये। तहसील अपने रावत भट्टा करना बड़ोदिया पंचायत चल रही है। आनंद आ गया यार, ठीक कर का था। मुकेश के सब्जी लेकिन रही नहीं, तो मुकेश तेरे को नीचे दिमना तू ले ले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है नहीं। अरे यार साधु तो सिख के मुके नहीं, साधु जी में सुखी रोटी भोग तो लगाएगी, तुलसी मगन भयो राम गुण गायेगी, साधु चले लंगे पाऊ कीड़ी तो बचाएगी, हैं तुलसी मगन भयो सदा खुश राम गुण गायेगी, कोई सोवे महल मेड़िया जरो का लगाए के, साधु सोवे जंगल माए धूली तो तकाएगी, तुलसी मगन भयो राम गुण गायेगी। और बोलो। और मैं शुरू से गाता हूँ, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, कोई सोवे महल मेड़िया झरो का रखाए के, साधु सोवे जंगल माहे धुनी तो दकाए के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के भई, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, कोई च सोवे महल मेड़िया झरो का रखाए के, साधु सोवे जंगल माहे धुनी तो दकाए के, है ना। कोई पे फेरे बूट चंपल शेंडीले मंगाए के, साधु चले लंगे पाहूं कीड़ी तो बचाए के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय के, तुलसी मगन भयो राम गुण गाय हैं। कोई खावे लड्डू पेड़ा बर्फी मंगाए के, साधु जी में सूखी रोटी भोग तो लगाए के, जीतू भाई भोग लगा गया मेरा। मजा आ गया दोस्तों, आज हमारे चैनल पे आपको आज पहाड़ी वाले बालाजी के दर्शन कराने के प्रयास कर रहा हूँ। आपको हमारा ये बालाजी पसंद आया, गुरुजी का प्रोग्राम पसंद आया, तो आप लाइक करना और कुछ कमेंट करना ताकि हमारे बजरंगबली भी खुश हो जाए, गुरुजी भी खुश हो जाए। आप ये नंगे पैर, नंगे पैर ऊपर से नीचे आए, नंगे पैर ठीक है, तड़े चढ़ गई, अभी नंगे पैर जाएंगे, एक टाइम के दो टाइम गुरु जी? दो ही टाइम आते हैं भाई, दो ही टाइम रात 5 बजे सुबह आ जाते हैं बेटी को उजाले। अच्छा, अब तो रात बड़ी है, उसमें आ जाते हैं हम सुबह 5 बजे। हाँ, सुबह 5 बजे फिक्स यहाँ पे आरती हो जाती है। पहाड़ पे पहली बार चले, सही बात क्या? अरे राम जी अच्छे अच्छे चक्कर खा रहे हैं। हाँ। ये तो हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा है, मैं डेली जाता हूँ हनुमान जी के वहाँ, एक भी दिन खाली नहीं जाता मैं डेली, एक भी दिन मिस नहीं हुआ। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मैं जिंदगी में 12 मिनट में आता हूँ, 12 मिनट में। अच्छा, 12 मिनट ऊपर आ जाए, 12 मिनट फिक्स, 12 मिनट में ऊपर लागू ना, 12 मिनट में नीचे जाऊंगा। जीवन में पहली बार चढ़ो, अतरो आपकी स्पीड भी ये आप प्रैक्टिस देनी यार, नहीं हार सकती, अच्छे से लोग तारीफ करे यार, अच्छे से जवान यार भी कह गए यार, धन्यवाद गुरु जी यार की मकल बोलो, और मोर रस्तों मालूम ही नहीं दी, वो शक्ति प्रकट हो गई भाई, बजरंग बली शक्ति। मैं तो बिल्कुल आना नीचे कर दो तो माते दो, तो फिर मैंने बजरंग बली को नाम लेने में जय बजरंग बली। मारे एक भी दिन मिस नहीं हुए, मतलब डेली अगरबत्ती लगाऊं, मुझे 6 बजे चल जाऊं बेटा ने। अच्छा, डेली नहीं धोई ना, शंकर भगवान के जल चढ़ाऊं, हनुमान जी के वहां या अगरबत्ती लगाऊं डेली, हर मंगलवार को अपने नियम, हर मंगलवार को तो बजरंग बली का वहाँ, और सोमवार को शंकर भगवान का वहाँ दीपक लगाऊ, न बुधवार को गणपति जी, तीन ही मंदिर पास पास में बैठे। ले मुके, तू भी नाश्ता कर ले। हाँ बोले, ये तो सब हमारे हारने के बाद काम ही जाल तरफ से रोक दिया, देखी नहीं गाड़ी खड़ी कर दी हमने। हाँ, गाड़ी खड़ी कर दी है, एक हमारे जंगल वाला के वाना के साहब के वर्षा था वन पर लाख गया, सीए साहब को वहाँ गया, हमारा जंगलात वाले के साहब की वहाँ के वर्षा में लाख नहीं, हम कह
कमल सिंह है अपने जंगलात वाले साहब। अच्छा व्यवहारिक है बाप रे, भी तो अपने हर गुरु नामा में यहाँ विजय बना की कृपा। आज फोन लगाऊ तो यहाँ बार पुलिस नाम बना साहब को कमल सिंह, कमल सिंह कमल जी राम नाम कमल नाम है। अरे कमल कर देना, मुझे नंबर काटू देगा उन्होंने। देखा पापा जी आज गुरुजी का प्रसाद का आनंद आ रहा है बहुत अच्छा। अरे कह रही है बूंद बूंद जो खाए तो स्वर्ग में चला जाए। रोटी भी अच्छी बनी। हाँ अरे गुरुजी के यहाँ तो भंडारा बड़ा जोरदार है। हाँ हाँ गुरुजी ने बनाई होगी रोटी। हाँ टिक्कड़ हम ही बनाते हैं दोस्तों। आज हमने टिक्कड़ खाई है, गुरुजी का एक प्रसाद खाया दोस्तों। आज हम पहाड़ी पे आए हुए हैं और पहाड़ी के ऊपर जो बजरंगबली का जो स्थान है, इस पहाड़ी के ऊपर हम खड़े हुए हैं। कितना कितना ऊंचा होगा गुरुजी ये? ये 2 किलोमीटर ऊंची होगा। ये 2 किलोमीटर लगभग ऊंचा है ये। तो आज ये गुरुजी के दर्शन करने के लिए हम आए ना यहाँ पे, हमको तो बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आ गया। हमारे साधु संतों की सेवा का आशीर्वाद मिला और गुरुजी का आशीर्वाद मिला हमको, और हमने ये गुरुजी का भंडारा भी खाया है प्रसाद। हमारे मुकेश जी भी लग रहे हैं और ये हमारे पापा जी मेरे पिताजी के लाडले जिया जी। ओम पहाड़ी वाले बालाजी को राम 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 राम। दोस्तों आज ये पहाड़ी वाले बालाजी के दर्शन कराता हूँ आपको, और ये इनकी पादुका है और इनका घोटा है बजरंगबली के। यहाँ इतने पहाड़ पे से गुरुजी आते हैं दोस्तों। ये देखो आज ये पहाड़ के ऊपर हम आए हुए हैं। ये कौन सा झाड़ है गुरु जी? ये बल्डे का झाड़ है, ये बल्डे का झाड़ दोस्तों। आज ये पहाड़ी के ऊपर हम लेके आए, आज आपको पहाड़ी पे दर्शन कराए गुरु जी के, और ये गुरु जी के दर्शन करे दोस्तों। अब ये पहाड़ी के ऊपर यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये ऐसे देख लो कितना ऊंचा है। ये देखो ये चक्कर आ जाएगी।